तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, तो ये हम सभी देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भारत की झोली में दूसरा पदक आ चुका है। भारत को पहला पदक आपको पता होगा मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन की श्रेणी में दिलाया था, जो कि मणिपुर की निवासी हैं और इसके साथ ही साथ 49 किलोग्राम वर्ग की श्रेणी में उन्होंने ये पदक दिलाया था। ये दूसरा भारोत्तोलन में भारत के लिए पदक था। यदि हम बात करें भारत के लिए पहला पदक किस महिला ने दिलाया, तो वो कर्णम मलेश्वरी ने 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में दिलाया था। साथ ही साथ वह भारोत्तोलन का पहला पदक भी था। इसी के साथ ही साथ भारोत्तोलन में दूसरा पदक भारत को मीराबाई चानू के रूप में मिला। अब बात करते हैं पीवी सिंधु के बारे में। पीवी सिंधु ने भारत के लिए दूसरा पदक दिलाया और इससे पहले 2016 में वो जो है रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। इसके बाद अब 2020 टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में इसका आयोजन हो रहा है, इसमें इन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल कल जिता दिया, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ दो ओलंपिक मेडल जीतने वाली, लगातार दो ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु बन गई हैं। इसके साथ ही साथ ओलंपिक में दो मेडल किसने जीते हैं, सुशील कुमार जो पहलवान हैं उन्होंने ओलंपिक में दो मेडल वो जीत चुके हैं। अभी आप जानते होंगे सुशील कुमार, उनका जो है विवादों से काफ़ी नाता रहा, इस समय वो जो है पुलिस की गिरफ्त में है, एक मर्डर का चार्ज उनके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन पीवी सिंधु भारत की शेरनी जिन्होंने भारत को दो मेडल जिताए, 2016 में सिल्वर मेडल मिला और 2020 टोक्यो ओलंपिक में 2021 में जिसका आयोजन हो रहा है इसमें भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया है, तो पहली भारतीय महिला बनी जिनको दोनों ने ओलंपिक में भारत को दो मेडल जिताए। इसके अलावा ये बैडमिंटन में भारत के लिए तीसरा पदक है। बैडमिंटन में भारत को पहला पदक सन 2012 में साइना नेहवाल ने दिलाया था, जो कि 2012 में ब्रॉन्ज मेडल था। उसके बाद दूसरा पदक भारत के लिए वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक में आया, रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल पीवी सिंधु ने जिताया था। अभी इस पीवी सिंधु का तीसरा मेडल है जो कि 2000 अभी जो हुआ है इसमें ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिला है। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में बारे में हम बात कर लें, तो टोक्यो ओलंपिक की जो शुरुआत हुई वो 23 जुलाई से लेकर के आपका 8 अगस्त तक ये चलने वाले हैं। तो आज 2 अगस्त है तो आपके 8 अगस्त तक ये ओलंपिक चलने वाले हैं। आगे आने वाली भारत की बहुत सारी उम्मीदें हैं, भारतीय हॉकी टीम भी सेमीफाइनल में पहुँच चुकी है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे खिलाड़ियों से उम्मीद है कि वो भारत को पदक दिलाएंगे। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, एक भारत का तीसरा पदक भी पक्का हो चुका है लवलीना बोहरगोहन के रूप में, एक पदक वहाँ भी पक्का है, उम्मीद करेंगे कि भारत को स्वर्ण मिले। भारत को एकमात्र स्वर्ण एकल श्रेणी में अभिनव बिंद्रा के रूप में मिला था, वर्ष 2008 में उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था शूटिंग में। तो इसके अलावा उम्मीद करेंगे भारत को दूसरा गोल्ड मेडल मिले। हॉकी के रूप में टीम के रूप में तो भारत को गोल्ड मेडल मिले हैं, लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी में एकमात्र गोल्ड भारत के लिए अभिनव बिंद्रा के रूप में ही सामने आया है। तो अब बात करेंगे 2016 का ओलंपिक को आपको याद होगा रियो में हुआ था, 2020 का टोक्यो जापान में। अब मैं आपको बता दूं 2024 का जो ओलंपिक है वो कहां आयोजन होगा, तो 2024 का जो ओलंपिक है वो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन होने वाला है। इसके अलावा 2028 का जो ओलंपिक है उसका आयोजन आपका लॉस एंजल्स अमेरिका में इसका आयोजन होगा, याद रखिएगा। उसके अलावा 2032 के ओलंपिक के बारे में बता दूं आपको, ब्रिसबेन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होने वाला है। और अभी जो टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं वो कौन से क्रम के ओलंपिक हैं, तो 32वें क्रम के टोक्यो ओलंपिक हैं। ये सब मैंने आपको ओलंपिक से रिलेटेड जो है जानकारियां बताई, काफ़ी आपके आने वाले एग्जाम्स होंगे, PPSSSC PET हो, रेलवे SSC, बैंकिंग GD, कोई भी एग्जाम हो इनसे रिलेटेड टोक्यो ओलंपिक आप गांठ बांध लीजिएगा, एग्जाम में पूरा पक्का जो है ये फंसने वाला है। तो टोक्यो ओलंपिक से कितने भी सवाल बन सकते हैं, एक एक अपडेट को मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लवलीना बोरगोहन ने भी भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं, तीसरा मेडल है, मतलब अब तक मान लीजिएगा भारत को तीन मेडल मिल चुके हैं, पहला मीराबाई चानू, दूसरा भारत की शेरनी पीवी सिंधु, तीसरा लवलीना बोरगोहन। तीनों ही पदक भारत को बता दूं भारत की महिलाओं ने ही दिलाए हैं। देखिए 2016 के ओलंपिक में भी भारत को दो मेडल मिले थे, एक पीवी सिंधु सिल्वर मेडल, साक्षी मलिक पहलवान ने आपको ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। तो 2016 में भी किसी भी पुरुष ने मेडल नहीं जीता और 2020 का जो 21 का ओलंपिक है इसमें भी अभी तक किसी भी पुरुष ने मेडल नहीं जीता है। तो पुरुष करने क्या गए हैं वहाँ पर, लगता है शायद सिर्फ घूमने ही गए हैं, क्योंकि भारत को सिर्फ और सिर्फ महिलाएं मेडल जिता रही हैं। तो आने वाले समय में उम्मीद करेंगे कि कोई पुरुष भी भारत को मेडल दिलाए, मेडल कोई भी दिलाए, भारतीय मेडल भारत का होता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन भारत की शेरनियां जो है भारत के बाहर टोक्यो ओलंपिक में भारत का नाम कर रही हैं, हम सभी को लेकर के इसको लेकर के जो है खुश होना चाहिए, हम सभी की जो है इनके लेकर के दुआएँ हैं। साथ ही साथ टोक्यो
टोक्यो ओलंपिक में आने वाले समय में उम्मीद करेंगे कि हॉकी में भी भारत को मेडल मिले, क्योंकि हॉकी में भारत का बहुत ज़्यादा स्वर्णिम काल रहा है। हॉकी में मेजर ध्यानचंद के समय में भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। भारत को 9 में से 8 गोल्ड मेडल तो हॉकी ने ही दिलाए हैं। भारत को टोटल 9 गोल्ड मेडल मिले हैं, मैं आपको बता दूँ, उसमें से 8 गोल्ड मेडल तो हॉकी ने ही दिलाए हैं और एकमात्र गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने दिलाया है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड। इसके लिए आप आचार्य चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।